dia pulang ke mahasiswa ke tempat kerja. ये माता जी को नीचे ले जाओ, ये कन्हैया की भक्ति में माता जी कहाँ जा रही है? नीचे जा रही है। Thank you.
Thank you.
आइए हनुमंत विराजिए, कथा करम मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए पवन कुमार सिया, वर राम चंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की लोकाभिराम रणरंगधीरम राजीवनेत्रं प्रभुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुण, श्रीरामचंद्र कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण, नव कंज लोचन कंदर पांगणित अमित छवि नव नील नीरद तरुचि सुचि नौमी जनक सुतावरं श्रीरामचंद्र भदुदीन बंधु दीनेश दानव दैत्यवंश निकंदन भदुदीन
रघुनंद आनंद कंद कौशल कंद दशरथ नंदन श्री राम मंगल भवन
कृपा करूं गुरु देव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई मंगल भवन अमंगल हारे मंगल बोली रामचंद्र भगवान की श्री बाल कृष्ण लाल की। आइए एकाग्र भाव से हरि नाम स्मरण कुछ पल के लिए भाव और प्यार से। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम तालियां बजा दो प्यार से श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम
राम जय राम जय संकट मोचन कृपा निदान संकट जय जय विघ्न हरण हनुमान बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अधियारो श्री राम जय राम जय जय कृष्णलाल की श्री हनुमान जी महाराज की सदगुरु देव की संत समाज की नमः पार्वती पतये हर हर परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव भावुक भक्तजन भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं एवं बहनों परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणारुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र
और उनका ही प्रत्यक्ष वांग्मय स्वरूप रामचरितमानस आज माहिल्याबाई की पावन धरा और दो दो ज्योतिर्लिंगों के बीच में विराजमान ये बहुत पवित्र नगर इंदौर की धरा से पुनः एक बार मेरी व्यासपीठ के द्वारा राम कथा का मंगल प्रारंभ हो रहा है। और आज प्रथम दिन की वेला में उपस्थित आप सभी भाई बहनों का व्यासपीठ से चिन्मयानंद बापू की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विज्ञान का सदुपयोग करते हुए जो लोग आस्था चैनल के माध्यम से इस पावन पुनीत वेला में जुड़ रहे हैं उन सब का भी व्यासपीठ से और इंदौर की धरा से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अभी अभी हमारे परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर स्वामी राम कुमार दास जी महाराज अनेकानेक संतों के साथ कथा के प्रारंभ से पूर्व दीप प्रज्वलन किए। किसी महापुरुष के द्वारा दीप प्रागट्य होना ये शुभ संकेत होता है। तो अभी अभी गुरुदेव ने इस कथा का दीप प्रागट्य करके मंगल प्रारंभ करवाया और राम कथा आयोजन समिति इंदौर जिन्होंने अथक मेहनत करके विगत कई दिनों से दौड़ भाग करते हुए इतने विशाल आयोजन को साकार किया। हमारे बबलू जी, जगदीश शर्मा जी, ललित जी और संरक्षक में हमारे रमेश जी विधायक साहब और अन्य उनकी पूरी समिति इस कथा को विशाल रूप देने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो आप सभी को धन्यवाद देते हुए हम कथा की ओर प्रवेश करेंगे। बहुत विशाल शोभा यात्रा के साथ हमारी माताओं ने, भाई लोगों ने इस कथा के प्रारंभ में अपना योगदान दिया। एक क्षण के लिए तो ऐसा लग रहा था कि मानो वास्तव में अयोध्या में कोई भगवान की शोभा यात्रा निकली हो और अवध की प्रजा उसमें भगवान राम के साथ चल रही हो। ऐसी हमारी माताओं ने पूरी एक एक प्रकार से कहें तो शमा बांध दिया था। बहुत अच्छा शोभा यात्रा के द्वारा कथा को आरंभ। और इंदौर से तो हमारा पुराना नाता है। हाँ, कई सालों से मुझे भी इंदौर की याद आ रही थी कि मुझे चलना चाहिए। बहुत साल हो गए थे। कई लोग तो मुझे अब शिकायत करने लगे थे कि बापू आप खंडवा आ जाते, इधर नहीं आते। हाँ, यहां से ही जाने का रास्ता है उधर, पर यहां नहीं आते। मैं उनको यही कह रहा था कि भाई मेरे और आपके प्रयास से नहीं होता है। जब गोविंद की कृपा होती है, राघव की कृपा होती है, तभी ऐसे संयोग बनते हैं। आज फिर से एक बार हमारे राघव की कृपा हुई और ये कथा की धारा बहती हुई इंदौर की धारा पर आई। भगवान की कृपा है। मानव संकल्प कर सकता है, सन्निष्ठ प्रयास कर सकता है, लेकिन हमारे बहुत प्रयास के बावजूद भी कोई भी कार्य चरितार्थ तब होता है जब भगवान की कृपा हो। केवल संकल्प भी अधूरा है, केवल सोच लेने भर से तो कथा नहीं हो जाती। हाँ, और सच बताएं तो ये कथा अचानक आई,
इस कथा की डेट कहीं और थी, मेरे मुख से निकला कि इंदौर, इंदौर चलते हैं। और अचानक ये, वरना तो ऐसा होता है कि एक कोई यजमान और बार बार आमंत्रित करना होता है, लेकिन अचानक ये कथा, बार बार ऐसा लग रहा था कि नहीं, यहां करना है कि नहीं करना, करना है कि नहीं करना, लेकिन माता अन्नपूर्णा ने यहां बुला ही लिया कि चलो, फाइनल अंत में इंदौर ही हुआ। यानी 15 दिन पहले भी ऐसा लग रहा था कि यहां करना है कि नहीं करना है। आयोजकों के भी मन में थोड़ा भय था कि पता नहीं होगी कथा कि नहीं होगी, हाँ। लेकिन हनुमान जी महाराज की इच्छा हो गई थी कि इंदौर की धरा पर बैठकर कथा सुननी है, क्योंकि तो हमारे हनुमान जी को ही मैं सामने विराजमान करके उनको ही राम कथा सुनाता हूं। तो हमारे हनुमान जी की इच्छा होती है कि चलो, यहां श्रवण करना है तो वहां चले जाते हैं, हाँ। भगवान की कृपा से मेरे भाई बहन ये अवसर मिला है, और 7 दिन तक हम सब लोग इस कथा में बैठकर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। आज वर्तमान समय में जिस तरह से समाज का सोच, हमारी विचारधारा, हमारा रहन सहन परिवर्तन हो रहा है, ऐसे वातावरण में मेरे भाई बहन इस कथा की आवश्यकता, और खासकर मैं मेरा अनुभव यदि कहूं, राम कथा की आवश्यकता समाज को आज ज्यादा है, क्योंकि भगवान राम को समझना सरल है, कृष्ण को समझना जरा कठिन है, हाँ। भगवान कृष्ण को समझना मेरे भाई बहन आसान नहीं है, और आजकल की जिस तरह हमारी मानसिकता है, ऐसे में भगवान कृष्ण को तो बिल्कुल नहीं समझा जा सकता है। इसी कारण भगवान कृष्ण की कई लीलाओं पर हमें संदेह हो जाता है, और दुनिया के लोग गलत अर्थ कर लेते हैं। इसलिए मैं यदि अपना अनुभव कहूं तो आज समाज को राम जी के चरित्र की आवश्यकता ज्यादा है, क्योंकि समाज से जिस तरह से मर्यादाएं छिन्न भिन्न हो रही हैं, बड़ों का आदर परिवार से विदा होता जा रहा है, बड़े छोटे का जो एक 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 मर्यादा थी वो बिखरती जा रही है, ऐसे समय में रामचरितमानस समाज के लिए ज्यादा उपयोगी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत कृपा करके रामायण के अमर प्रणेता, जिन्होंने हम सभी के ऊपर संसार नाम करुणया पुराण गोहयम, हम संसारियों के ऊपर जिन्होंने करुणा करके नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, रामायण के अमर प्रणेता, रामायण के अमर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, हम आरंभ करें उसके पहले उनके चरणों में कुछ पुष्प अर्पित कर दें। रामायण के अमर प्रणेता, रामायण के कोमल श्रद्धा सुमन चढ़ाओ, कोमल श्रद्धा सुमन चढ़ाओ, कोमल श्रद्धा सुमन चढ़ाओ, कोमल श्रद्धा हर रत्ना के अमर त्याग को, पर रत्ना के अमर त्याग को, नमन करो तुम भूल न जाओ, रामायण के अमर प्रणेता,
जिन्होंने भगवान का चरित्र बिल्कुल ठीक राम जी की तरह ही मर्यादित करके समाज के सामने रखा है, आज ऐसे भगवान का चरित्र समाज के लिए ज्यादा उपयोगी है। क्योंकि वर्तमान जो समय चल रहा है मेरे भाई बहन, हमारी सोच बड़ी तेजी से बदल रही है। कहीं ना कहीं हम पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंग कर अपने सामाजिक परिवेश को हम भूल रहे हैं। ऐसे समय में राम जी का चरित्र समाज के लिए ज्यादा उपयोगी है। हमारे यहां दो ऐसे ग्रंथ हैं, एक जीने का ग्रंथ है और एक मृत्यु को धन्य बनाने का ग्रंथ है। एक जीवन को धन्य बनाने का ग्रंथ रामचरितमानस और एक मृत्यु को धन्य बनाने का ग्रंथ श्रीमद् भागवत। दोनों ही ग्रंथ अपने आप में बड़े महान हैं। राम जी समाज के लिए उपयोगी इसलिए भी हैं क्योंकि भगवान राम ने हर चरित्र को जीकर दिखाया। एक पुत्र कैसा हो, भगवान राम ने जीकर दिखाया। यदि कोई कहे कि भाई भगवान की तरह हम नहीं जी सकते हैं, गलत बात। भगवान राम ने इसी दुनिया में एक पुत्र का धर्म निभाया। एक मित्र कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, भगवान ने सुग्रीव से मैत्री करके दुनिया को दर्शन कराया। एक भाई कैसा होना चाहिए, सीखो प्रभु राम से क्या भाई का धर्म निभाया। हां, एक भाई कैसा हो, देखो भगवान राम को और भरत को क्या दर्शन कराया है प्रभु ने। चित्रकूट की धरा पर भरत जी का और राम जी का जो प्रसंग है, पढ़कर मेरे भाई बहन आंख भर जाती है। कितना गहरा प्रेम है भाई में। भरत जी ने बार बार कहा कि राघव आप अयोध्या लौट जाएं, मैं आपके बदले में 14 वर्ष वन में रहने को तैयार हूं, और मेरे पिता के लिए दोनों भाई दोनों आंख की तरह हैं, तो दाई आंख रहे वन में या बाई आंख रहे क्या फर्क पड़ता है, मैं आपके बदले में वन में रह जाऊं। प्रभु ने कहा कि नहीं भरत, जिस पिता ने एक वचन के कारण अपना प्राण त्याग दिया, हम उसके पुत्र उसके वचनों का अनादर कर दें तो स्वर्ग में मेरे पिताजी को कितनी तकलीफ होगी। कल को लोग रघुवंश का नाम धूमिल करने लग जाएंगे कि दशरथ जी तक तो ठीक था, उन्होंने अपना वचन निभा लिया, लेकिन दोनों पुत्रों ने क्या किया। नहीं भरत, अयोध्या की गद्दी पिताजी ने तुम्हें सौंपी है। आज का कोई भाई होता तो मन में लोभ होता, स्वार्थ होता कि कोई बात नहीं तू रह ले वन में, मैं अयोध्या चला जाता हूं। हां, लेकिन नहीं, हर चरित्र को भगवान राम ने समाज के सामने रखा। यदि कोई ये कहता है कि मैं किस तरह जीवन यापन करूं, किस तरह जीऊं, सीखो प्रभु राम से। भगवान राम ने स्वयं दुनिया के सामने जीकर दिखाया। यदि कोई कहे कि संभव नहीं है शास्त्रों के आधार पर जीना, भगवान राम ने जीकर दिखाया। यदि हम जीना चाहें तो भगवान राम का दर्शन करें। संपूर्ण चरित्र भगवान राम ने, यानी संसार के जितने भी रिश्ते संबंध हैं, वो सब रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने दर्शन कराया। आगे चलकर एक पिता का धर्म क्या है, भगवान राम ने वह भी निभाया। एक पति का फर्ज क्या है, भगवान राम ने वो भी दर्शन कराया। विवाह करने के बाद एक पति का भी उत्तरदायित्व होता है अपनी पत्नी के प्रति, वह भी भगवान राम ने दर्शन कराया। लेकिन एक उम्र तक, हां,
50 के बाद तो फिर धीरे धीरे वैराग्य होना चाहिए। ये मैं एक एक उम्र वालों के लिए कह रहा हूं। अब 60 की उम्र हो तब ज्यादा फिक्र मत करना, हरिनाम की फिक्र करना। फिर हम एक भाई ने मुझे पूछा, करीब 60-65 वर्ष की आयु थी, कि बापू घरवाली से मेरा बनता नहीं, क्या करूं। मैंने उनके चेहरे की ओर देखा कि दादा अब भगवान से बनाओ। हाँ बहुत उम्र निकल गई, अभी भी घरवाली की फिक्र। एक उम्र तक, यानी हर चरित्र को भगवान राम ने दुनिया के सामने दर्शन कराया है। तो भगवान का चरित्र मेरे भाई बहन समाज के लिए आज ज्यादा उपयोगी है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारी मोटर कार बहुत दिन तक रोड पर चलती रहे तो एक समय के बाद उसको भी सर्विसिंग की आवश्यकता होती है। हाँ, तो वैसे ही मेरे भाई बहन जीवन की गाड़ी भी ठीक ठाक चले, इसलिए कभी कभी सत्संग रूपी सर्विस हमको भी करा लेना चाहिए। हाँ, ये 7 दिन के लिए गैरेज है, किसी की जीवन गाड़ी बिगड़ी हो ना तो उसको पकड़कर इधर लाना कि चल जरा सर्विसिंग करा देते हैं तेरी। कई बार ऐसा होता है कि कोई गाड़ी का कोई पुर्जा खराब हो जाए तो उसको आवश्यकता है गैरेज में ले जाने की। तो हमारी भी कभी कभी सोच विचारधारा, हमारा रहन सहन बदल जाता है, बिगड़ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को इस गैरेज में लाना चाहिए। हाँ, बाबा तुलसी का ये 7 दिन के लिए गैरेज है, ज्यादा समय के लिए नहीं है, ये ऑफर बहुत कम समय के लिए है। हाँ, भगवान की ही बड़ी कृपा है, क्योंकि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्दितेन तब सत्संगमं चलभते पुरुषो यदा वै। बहुत जन्मों के भाग्य से मेरे भाई बहन ये सत्संग मिलता है। हाँ, आप ऐसा ना सोचें कि हम घर से निकले और कथा में पहुंच जाएंगे, नहीं। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा विनु आई। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा आई। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा विनु आई। आवत यही सर अति कठिनाई, यहाँ आना कोई सरल काम नहीं, बहुत कठिन मार्ग है। बगैर भगवान की कृपा के मेरे भाई बहन आप यहां पहुंच ही नहीं सकते। कोई न कोई ऐसा कार्य, ऐसा व्यवधान आ जाता है कि आप चाहकर भी नहीं पहुंच पाते। हाँ, मैं अक्सर कहता हूं कि एक बार राजा के एक बहुत बड़े किले में कोई सूरदास जी अंदर चले गए, दोनों आंख से अंधे, और बहुत बड़ा किला है राजा का, और मुश्किल की बात यह कि उस किले में एक ही रास्ता है, अंदर जाने का भी और बाहर आने का भी। तो बहुत सारे लोग अंदर जा रहे थे और भीड़ में सूरदास जी भी अंदर चले गए, दोनों आंख के अंधे। अब अंदर गए तो इतना बड़ा किला है, सूरदास बेचारे रास्ता भटक गए, बड़े परेशान हो गए, कई घंटे बीत गए, द्वार नहीं मिल रहा है और अंधे आदमी। तो किसी भले आदमी ने उनको दीवाल पकड़ा दी, कहा सूरदास जी ये दीवाल पकड़ करके आप चलते रहें, एक समय के बाद दरवाजा आ जाएगा और पार हो जाना। और सूरदास बिचारे दरवाजा वो दीवाल पकड़े 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 आगे बढ़े। जैसे ही दरवाजा आया अचानक हाथ हटा लिया, कोई खुजली हुई और हाथ दीवाल से हटा और 2 कदम आगे बढ़ गए, दरवाजा छूट गया।
फिर से उस तरफ वाली दीवार पकड़ लिया और दीवार पकड़े 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 फिर पूरा चक्कर लगाया। फिर से जैसे ही दरवाजे के पास आए और अब निकलने ही वाले थे कि बस दरवाजा आ गया, लेकिन फिर से अचानक किसी मच्छर ने डंक लगाया और हाथ हटा, फिर से दो कदम आगे बढ़े और सामने वाली दीवार। कई बार बेचारे दरवाजे के पास आए और कोई ना कोई ऐसी घटना घटे, अचानक दरवाजा छोड़ दें और दो कदम आगे बढ़ जाए। रात भर बेचारे भटकते रहे, द्वार नहीं मिला। कभी कभी नहीं लगता कि हम सबकी भी स्थिति सूरदास जी की तरह है? जैसे ही द्वार आने वाला होता है, हमारे भी जीवन में ऐसी समस्या, कभी किसी की डेथ हो गई, कभी किसी की शादी पड़ गई, कभी कोई फंक्शन है, कभी कुछ, और जैसे ही मौका आने वाला था हाथ से मौका गया। इसलिए बाबा तुलसी कहते हैं, गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल गृह कारज नाना जंजाला दुर्गम शैल गृह कारज कार्य जो है, ये गृहस्थी में जो जंजाल है, यही यहां तक पहुंचने में बाधा है। बगैर भगवत कृपा के मेरे भाई बहन यहां पहुंचना संभव नहीं है। राम कृपा बिनु आई न जाए। दुनिया का हर कार्य आप प्रयास करो तो आप पा सकते हो। तात मिले पुनि मात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, दुनिया की हर चीज आप प्रयास करो आप पा सकते हो। तात मिले पुनि मात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गज बाज मिले सब साज मिले मन लोक मिले पर लोक मिले विधि लोक मिले वैकुंठ जाई, सुंदर और मिले सभी पर संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ भाई। बगैर हरि कृपा के हरि कथा नहीं मिलती। आप यहां पहुंचे हैं तो मैं आपको बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, यहां पहुंचे हैं ये समझना आपके ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा है। हरि कृपा से ही, क्योंकि राम कृपा बिनु आई न जाए। भगवान की कृपा के बगैर मेरे भाई बहन यहां आना संभव नहीं है। जब हरि कृपा करते हैं, मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, बगैर हरि कृपा के बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा के बगैर सत्संग कहां सुलभ है? हाँ, तो भगवान की कृपा से मेरे भाई बहन यह अवसर मिला है। 7 दिन तक हम रामचरितमानस का दर्शन करेंगे और अपने जीवन की कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। इसलिए किसी महात्मा ने रामचरितमानस को आईना भी कहा। रामायण के परिचय में किसी संत ने कहा कि रामायण एक दर्पण है, आईना है। आईना क्या करता है? आप जैसे हो वैसे आपको दिखा देता है। आईना झूठ नहीं बोलता है, बिल्कुल सत्य। आप जैसे हो आपको वैसा ही प्रस्तुत कर देता है। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम अपने आप को भी पहचान नहीं रहे हैं। हमने ऊपर इतने मुखौटे लगा लिए कि वास्तविक में हम क्या हैं वो हम भूल ही गए। हाँ, आईना आपको जैसे हो आपको दर्शन करा देता है। आईना झूठ नहीं बोलता है। हाँ, फोटो खिंचवा लो ना तो फोटो कभी कभी झूठ बोल भी देता है। आईना झूठ नहीं बोलता है।
और आजकल तो तकनीक ऐसी हो गई कि फोटो में लिपस्टिक न लगी हो तो बाद में उसको कंप्यूटराइज से सब कुछ लगाया जा सकता है। हाँ, कई बार तो मैंने देखा है कि सामने ऐसी शक्ल होती है और फोटो में ऐसी शक्ल होती है। अभी मुझे कोई झांसी में कह रहा था कि बापू कोई यहाँ एक संगीतकार थे, बड़े अच्छे गायक थे वो, तो उन्होंने अपना फोटो भेजा प्रोग्राम के लिए कि भाई ये जो पोस्टर वोस्टर लगाने होते हैं, तो उन्होंने अपना एक फोटो भेजा। फोटो में इतने सुंदर, बड़े गोरे से और बड़े सुंदर लग रहे थे, लेकिन जब सब उनको लेने गए और गाड़ी से उतरे तो लोग उनको पहचाने ही नहीं, बार बार उनको धक्के दे रहे, तू कौन है, हट सामने से हट। अरे बोले, मैं ही तो संगीतकार हूं, इतने पैसे मेरे लिए तो खर्च किए हैं, बिल्कुल डिफरेंट। फोटो झूठ बोल देता है, आप जैसे हो फोटो वैसा नहीं दिखाता। अभी 20 वर्ष के हैं, 40 साल के बाद भी फोटो में आप 20 साल के ही होंगे, जैसे हैं। आईना झूठ नहीं बोलता है, बाल सफेद हो गए तो आईना सफेद ही दिखाता है। अभी तक ऐसा आईना तो मार्केट में नहीं आया कि किसी बूढ़े व्यक्ति को युवान बनाकर दिखाए। आईना झूठ नहीं बोलता है, इसलिए संतों ने कहा रामायण आईना है, आप जैसे हो रामायण आपको वैसा दर्शन करा देंगे। इसलिए 7 दिन तक मैं निवेदन करूं कि बहुत सावधानी से इस आईने को देखना, आपका चेहरा कैसा है वह तो आईना बता देता है, लेकिन जीवन कैसा है उसको भी यदि किसी आईने में देखना है तो रामचरितमानस ये आईना है। भगवान के चरित्र से दर्शन करना, इस आईने में अपने आप को निहारना, आपको पता चलेगा आपके जीवन की कमियों के विषय में, जीवन कैसा होना चाहिए 7 दिन में आपको अनुभव हो जाएगा। और हां, मैं निवेदन कर दूं, आईना देखने के बाद जो गलती हो उसको सुधार लेना चाहिए, यही समझदारी। हम आईना क्यों देखते हैं? इसलिए तो देखते हैं ना कि कुछ गड़बड़ हो तो ठीक कर ले। हां, आई लाइनर टेढ़ी वेढ़ी हो गई हो तो ठीक कर ले उसको। हां, बाल बिखरे हुए हो, तिलक टेढ़ा मेढ़ा हो गया हो तो जरा, इसलिए आईना देखा जाता है कि कुछ बिगड़ा हो तो उसको सुधार ले, इसी में समझदारी है। 7 दिन के बाद आपको यदि पता लग जाए कि हमारे भीतर ये कमी है, उसको दूर करने का प्रयास करना। एक व्यक्ति भी यदि अपनी कमियों को हटा ले तो मैं समझूंगा कि चलो यहां वाली कथा भी हमारी सफल हुई। एक व्यक्ति, मैं जानता हूं आप यहां जितने लोग बैठे हैं सब बदलने वाले नहीं है, यह मुझे पता। यदि सब बदलने वाले होते तो मुझे दूसरी बार इंदौर नहीं आना पड़ता, पहले बार में ही काम हो जाता। हां, एक महात्मा जी किसी गांव में गए तो गांव के लोगों ने आग्रह किया कि बाबा कुछ दो शब्द हम लोगों को आशीर्वचन कुछ बोलिए। महात्मा ने कहा ठीक है, तैयारी करो, सबको बुलाया जाए। तो बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी की गई महात्मा जी को सुनने के लिए। आयोजकों ने बहुत बड़ी तैयारी की, बहुत सारे लोग उपस्थित हुए। महात्मा जी मंच पर आए और मंच पर आकर कहा कि अच्छा, यहां जितने लोग बैठे हैं कृपया मेरी बात का जवाब दें, क्या आप मानते हैं कि भगवान हैं? तो सारी भीड़ ने हाथ उठा दिया, हां हम मानते हैं भगवान हैं, नहीं होते तो इतना बड़ा आयोजन क्यों किया जाता। महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, जब हैं ये पता ही है तो फिर मुझे यहां क्यों बिठाया, उतरे और चले गए। गांव के लोगों ने सोचा है तो गड़बड़ हो गया, ऐसा करते हैं कल जब महात्मा आए
फिर से उनको आग्रह किया जाए और कल जब मंच पर आए और यदि ऐसा प्रश्न करें तो सब हाथ उठाकर एक तरफ से कह देना नहीं है। दूसरे दिन सब आयोजकों ने फिर से महात्मा जी को आग्रह किया कि बाबा इतना हम लोग तैयारी किए थे, कुछ तो हमको आशीर्वचन। महात्मा जी ने कहा मेरी वही शर्त है, मैं जो प्रश्न करूं उसका उत्तर मुझे चाहिए, फिर ही मैं वक्तव्य शुरू करूंगा। तो आज तो पहले से ही रात भर में प्लानिंग कर लिए थे गांव के लोग। महात्मा जी मंच पर आए और उन्होंने मंगलाचरण किया, स्तुति की और फिर वही प्रश्न कि हां आप सब बताएं एक साथ कि आप सब जानते हैं कि भगवान हैं। सब ने हाथ उठाकर कहा नहीं है, कोई भगवान भगवान नहीं। सब ऐसे ही फालतू व्यर्थ की बातें करते हैं, मुझे पक्का पता है भगवान है ही नहीं। महात्मा ने कहा कि जब भगवान है ही नहीं तो फिर नास्तिकों को क्या कथा सुनाऊं, उठकर चले गए। गांव के लोगों ने सोचा अब तो हद हो गई, फिर से पीछे पीछे दौड़ कर गए, बाबा अब क्या हुआ। बोले जब है ही नहीं तो फिर ऐसे मूर्खों को क्या कथा सुनाऊं। गांव के लोगों ने कहा कि बाबा एक कृपा और कर दीजिए, कल फिर से बैठिए। महात्मा ने कहा ठीक है मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मेरे प्रश्न का मुझे उत्तर चाहिए। गांव के लोगों ने कहा एक काम करो, कल दो पार्ट में बैठो, जब महात्मा प्रश्न करे कि भगवान हैं तो आधे लोग कहना हां हैं और आधे लोग कहना नहीं है। अब देखूं क्या करेगा महात्मा, अब तो उसको बोलना ही पड़ेगा। तो महात्मा जी फिर से तीसरे दिन मंच पर बैठे और आते ही फिर से उन्होंने स्तुति के बाद प्रश्न किया कि हां आप सब जितने यहां बैठे हैं क्या आप मानते हैं भगवान हैं। तो उनकी तो योजना पहले से ही थी, आधे लोग हाथ हिलाने लगे नहीं नहीं भगवान नहीं है, भगवान होते तो भला दिखाई नहीं देते, इतने सालों से सब मंदिरों में घंटियां बजा रहे हैं कभी दिखाई दिया है ही नहीं। आधे लोगों ने कहा कि नहीं नहीं महाराज भगवान है, वो तो हम सबको पता ही है, हम श्वास ले पा रहे हैं इसका मतलब भगवान है। महात्मा फिर से उतरे और चल दिए। गांव के लोगों ने कहा कि अब तो महाराज हद हो गई, आपने जो प्रश्न किया अब आधे लोग कंफ्यूज हैं कि हैं कि नहीं है और आधे लोग कह रहे हैं कि हैं। महात्मा ने कहा कि जिनको पता है कि भगवान हैं वो लोग, जिनको पता है कि नहीं है उनको बता दें, बस बात पूरी हो गई, हमारी क्या आवश्यकता है। यदि एक बार में ही समाज ठीक हो जाए तो संतों को बार बार इंदौर आने की क्या जरूरत पड़े। हाँ, इसलिए मुझे पता है पूरा समंदर खारा हो गया हो तो एक साथ पूरे समंदर को मीठा नहीं किया जा सकता, फिर भी एक प्रयास है। सात दिन तक आपके समक्ष ये ग्रंथ को खोल कर मैं बैठा हूं, आप आए दर्शन करें, आपको अपना ही अनुभव करना है, अपना ही दर्शन करना है इस आईने में। और आपको ऐसा लगता है महाशय कि मुझ में कमी है तो उसको दूर करने का प्रयास कर लेना, बस कथा की सफलता इसी में है, अपने कमियों को दूर कर लो। इंसान का शरीर नहीं बदला है, दुनिया नहीं बदली है, संसार नहीं बदला है, सिर्फ हमारी सोच बदल गई है। हाँ, सूरज न बदला, चांद न बदला, सब कुछ वैसा ही है, सिर्फ हमारी सोच बदल गई है। इस अपने सोच को किस तरह से धन्य करें, इसलिए सात दिवसीय यह मानस की यात्रा है। मेरे भाई बहन, हम सबको अपने जीवन को धन्य बनाना है भगवान राम के चरित्र से। राम सा पुत्र ना राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा ताता, राम सा पुत्र ना राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा।
कैरेक्टर को, हर चरित्र को भगवान ने दर्शन कराया। राम सा पुत्र ना राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा पुत्र ना राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता। स्वभाव से उदार शान, सब गुणों के धाम, भाई बहन, समाज के हर वर्ग के लिए, हर उम्र के व्यक्ति के लिए, हर जाति के लिए भगवान राम एक आदर्श रूप हैं। रामचरितमानस में कहीं भी हिंदू मुस्लिम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, संपूर्ण मानव जाति के लिए है। हाँ, इसलिए आप कोई भी मजहब के हों, कोई भी जाति के हों, कोई भी उम्र के हैं, किसी भी प्रांत के हैं, किसी भी देश के हैं, राम जी आप सब के हैं। केवल हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, भगवान तो संपूर्ण इंसान के लिए हैं। पूरी धरा पर जहां जहां भी इंसानियत निवास करती है, सभी के लिए भगवान राम का चरित्र आदर्श है, और हमें भगवान राम के चरित्र के अनुसार ही अपना जीवन चरित्र बनाना चाहिए। इसी का दर्शन हम 7 दिनों में करेंगे। पूरी धरा पर जहां जहां भी इंसानियत निवास करती है, सभी के लिए भगवान राम का चरित्र आदर्श है, और हमें भगवान राम के चरित्र के अनुसार ही अपना जीवन चरित्र बनाना चाहिए। इसी का दर्शन हम 7 दिनों में करेंगे, अपने जीवन को धन्य करेंगे। हाँ, तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं सभी भगवान के आदेश के अनुसार, तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलबेले राम, सब गाइए, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, अलबेले राम।
बार प्यार और भाव से हाथ उठा करके बोले श्री राधे। ताही विधि राखे राम ताही विधि रहे। जैसी स्थिति में जैसे भगवान चलाना चाहें हमें अपना जीवन वैसा बनाना है। तो 7 दिन तक मेरे भाई बहन हम क्रमशः प्रण लेकर के वचनबद्ध होकर के संकल्पित होकर के इस सत्संग रूपी अमृत की धारा में अपने आप को डुबाएंगे। वैसे तो नियम ऐसा होता है कि जिस दिन ग्रंथ को हम शुरू करें कोई भी ग्रंथ, तो प्रथम दिन ऐसी औपचारिकता होती है कि उस ग्रंथ की थोड़ी महिमा बताई जाए। भागवत में भी जब देखो कथा आरंभ होती है तो उसके पूर्व में भागवत की महात्म की कथा आती है। ग्रंथ क्या है, उसका संबंध किससे है, उसकी महिमा क्या है, उसका फल क्या है, थोड़ा महिमा बताना चाहिए। लेकिन रामचरितमानस से तो आप सभी परिचित हैं। हाँ, अब अयोध्या के राजा से कौन परिचित नहीं है। आप सब जानते हैं, रामलला को सब पहचानते हैं, रामायण से सभी परिचित हैं। फिर भी एक चौपाई में यदि पूरी रामायण की मैं महिमा कहूं, संतों ने बहुत अच्छी महिमा गाई है रामचरितमानस की, रामायण सुरतरु की छाया। बाबा तुलसी भी अपनी मुहर लगा दी है मानो कि रामायण एक कल्पतरु है,
कल्प वृक्ष है, कलयुग में चलता फिरता कल्प वृक्ष। हम जो भी सोचकर इस वृक्ष के नीचे बैठते हैं वह पूर्ण होता है, लेकिन हां सोचा हुआ कार्य सात्विक यदि है तो और आपके हित में है तो चलता फिरता ये कल्प वृक्ष है। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। संतों ने दावा किया कि यहां आकर व्यक्ति का दुख दूर होगा ही। जब बड़े बड़े महापुरुषों के दुख दूर हो गए प्यारे, तो तुम्हारे क्यों नहीं होंगे? हां, ऐसा सरोवर है, यहां बदलना निश्चित है। बाबा तुलसी ने उत्तरकांड में दावे के साथ कहा, काक हो ही पीक बकऊ मराला, काक हो यहां कौवा यदि स्नान कर ले, बाबा तुलसी का दावा है वह कोयल बन जाएगा। बगुला स्नान कर ले तो वह भी हंस हो जाएगा। ऐसा ये सरोवर है। यहां एक बार कौवा स्नान करे कोयल हो सकता है। हाँ? तो किसी ने पूछा कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कौवा कोयल बन जाए? हाँ? भाई कौवे का शरीर नहीं बदलता है, ध्यान देना, कौवे का गुण बदल जाता है। हमारा शरीर नहीं बदल जाएगा, हमारा स्वभाव बदल जाएगा। सत्संगी आदमी का स्वभाव बदल जाता है। हाँ? आदमी बुरा नहीं है, उसका स्वभाव बुरा हो जाता है। हाँ? हमारा स्वभाव बुरा हो जाता है कभी कभी, इसलिए सत्संग में स्नान करने से हम नहीं बदलेंगे, हमारा स्वभाव बदल जाएगा, हमारी विचारधारा बदल जाएगी, हमारी सोच बदल जाएगी। एक आम इंसान को जो भगवान के चरणों से दूर रहता है, कभी उसको देखना और एक सत्संगी आदमी को देखना, दोनों में बड़ा फर्क होगा। सत्संग करने वाला भीतर से मुस्कुराता है, हाँ, और सत्संग से दूर रहने वाला प्लास्टिक के फूल की तरह है, जो मुस्कुराता तो है लेकिन बनावटी। हाँ, प्लास्टिक के फूल भी खिले तो होते हैं लेकिन वहां खुशबू नहीं है, वहां ताजगी नहीं है, वहां केवल दिखावा है। लेकिन सत्संगी जब मुस्कुराएगा भी तो हृदय से मुस्कुराता है। सत्संग करने वाले का गुण बदल जाता है, स्वभाव बदल जाता है। ऐसा अद्भुत ये सरोवर है। काक हो ही पीक बकऊ मराला, काक हो ही पीक बकऊ। किसी ने पूछा कि भाई ऐसा मैं कैसे मान लूं कि स्वभाव बदल जाता है, गुण बदल जाता है? हाँ, अब कौवे में क्या बुराई है, बहुत ध्यान देना। कोयल भी काली है, कौवा भी काला। हाँ, कौवा भी कीड़े मकोड़े खाता है और कोयल भी वही खाती है, फिर क्या कारण है कि कोयल इतनी प्रिय है? कोयल कोई बहुत खूबसूरत नहीं है। हाँ, काली है फिर भी प्रिय है, क्या कारण? कोयल बोलती बहुत अच्छी है, बहुत प्यारा बोलती है। हाँ, कौवे बोले तो उनको भगाना पड़ता है। जो संगीत नहीं जानता है ना, उसको भी कौवा अच्छा नहीं लगता। क्यों? बड़ा कर्कश बोलता है। कोयल बहुत मीठा बोलती है, बहुत प्यारा बोलती है, बहुत अच्छा बोलती है कोयल।
केवल एक गुण कौए में खराबी है, बोलता अच्छा नहीं। लेकिन बाबा तुलसी कहते हैं यदि सत्संग रूपी सरोवर में कौ कौवा भी स्नान कर लेना तो यहां कौवा भी मीठा बोलने लग जाएगा, ये हमारा दावा है। बाबा तुलसी ने भरोसे के साथ कहा। और ऐसे ही खोखला भरोसा नहीं, उदाहरण भी दिया, कागभुसुंडी जी को देखो। कागभुसुंडी जी कौवा हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो आह मधुर वचन बोले ओ तब कागा, मधुर वचन बोले ओ तब कागा, मधुर वचन मधुर वचन कौवा, लेकिन मधुर वचन बोले वो तब का करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन बोले वो तब का। तो इस सरोवर में स्नान करने से मेरे भाई बहन निश्चित ही है, जब महापुरुष लोग बदल गए प्यारे तो हम आप क्यों नहीं बदलेंगे। हा? दुख भय दूर निकट जो आया। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं मेरे भाई बहन, दुनिया में कोई स्थान ऐसा नहीं जो आपके दुखों को दूर करे। हाँ हाँ, दुखों को भुलाने का इंतजाम जरूर है, दुखों को दूर करने की कोई व्यवस्था नहीं संसार में। कई लोग कहते बापू दो पैक लगाओ और दुख गया। कई लोग ऐसी विचारधारा कि दो पैक लगाओ बस टेंशन फ्री। टेंशन फ्री नहीं होते हो आप, पीने वालों को पता होगा टेंशन भूल जाते हैं वो। हाँ, फिर वो दिमाग काम नहीं करता है, शून्य कर देता है। शराब आपके दुख को दूर नहीं करता, वरना यदि शराब दुख दूर करता ना तो सारे शराबी मस्त हो गए होते। हाँ, शराब दुख को भुलाने का, थोड़ी देर भुलाने का एक उपाय मात्र है, लेकिन कथा रूपी शराब ऐसी है कि एक बार जिसने पी लिया फिर नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन, दिन रात धन्य हो जाता है उसका। काक हो ही पिक बकौ मराला। लेकिन हां, शर्त यह है यहां कौवे आए। हां, कौवे कोयल बन जाएंगे हमारा दावा है, लेकिन आए तो सही, क्या करें, यहां तो आती ही कोयल है। हाँ, कौवे तो बड़े कम आते हैं, कभी कभार आते हैं, कौवे आए तो निश्चित। इसलिए आपके अड़ोस पड़ोस में कोई कौआ हो तो कौवे भी कोयल हो सकते हैं। हाँ, हम जिस तरफ चले थे उधर रास्ता न था। भाई, महापुरुष लोगों को मंजिल मिल गई, हमें क्यों नहीं मिलेगा। हाँ, इसका मतलब है कि हमने रास्ता गलत पकड़ा है। हम जिस तरफ चले थे उधर रास्ता न था, पत्थर सुलग रहे थे कोई नक्शे पान था, पत्थर सुलग कोई नक्शे पान था, पत्थर सुलग रहे कोई नक्शे पान था, तरफ चले
काक हो ही पिक बकौ मराला। कौआ भी स्नान कर ले तो कोयल हो जाता है। हाँ, दुख को दूर करने का केवल और केवल एकमात्र यही उपाय है। मानस में देखो, जब सती बहुत दुखी हो गई तो वहां भोलेनाथ ने क्या किया? राम चंद्र गुण बर नहीं लागा, लगे कहन हरि कथा रसाला। भोलेनाथ दुख को दूर करने के लिए राम कथा का आश्रय करते हैं। हनुमान जी महाराज ने भी लंका कांड सुंदर कांड में जब लंका नगरी में गए हैं और सीता जी दुखी हैं तो हनुमान जी ने भी राम कथा का ही आश्रय किया। आप अनुभव करना मेरे भाई बहन, आप यहां आते हैं ना तो आपका दुख दूर होता है। भाई भगवान के मंदिर में लोग क्यों जाते हैं? इसलिए तो जाते हैं ना कि ठाकुर के पास जाने से हमारा दुख भूलता नहीं है, हमारा दुख दूर होता है। काक हो ही पिक बकौ मराला, दुख भय दूर निकट जो आया। तो 7 दिन तक मेरे भाई बहन इस कल्पवृक्ष के नीचे बैठेंगे। आइए अब हम आरंभ करते हैं बालकांड का पहला श्लोक। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि पहले श्लोक में भगवान गणेश और मां सरस्वती को प्रणाम किया। यहां से श्री गणेश किया, मंगलाचरण किया और पहला अक्षर है वह, बहुत ध्यान देना, रामचरितमानस का पहला अक्षर वह है, वह से शुरू होता है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। और पूरे रामायण को पढ़ लीजिए तो आपको पता चलेगा अंतिम अक्षर भी रामायण का वही है। ते संसार पतंग घोर किरण दहयंतिनो मानवाह, मानवाह का भी अंतिम अक्षर वह है, वह से आरंभ हुआ है और वह से ही विराम हुआ है। क्या मतलब? विद्वानों ने अपना मत दिया ऐसा, वह का अर्थ है अमृत। हर अक्षर के अलग अलग अर्थ हैं। जैसे क्लिम को काम बीज माना गया, जगार को दग्धाक्षर माना गया, ऐसे ही वह को अमृत बीज माना गया। यानी अमृत बीज से शुरू हुआ है और अमृत बीज पर ही विश्राम किया है बाबा तुलसी ने। हम संसारियों के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी मानो अमृत प्रकट किए। किसी ने पूछा कि अमृत की आवश्यकता क्यों थी? भाई जिसका जीवन विषैला हो गया हो, जिसको विष व्याप्त हो गया हो पूरे शरीर में पूरे जीवन में, उसको अमृत ही तो चाहिए ना। मानो बाबा तुलसी हम संसारियों के लिए करुणा करके अमृत लेकर आए। हमारे भी जीवन में तो कई विष फैले हैं, हाँ, कई प्रकार के विष फैले हैं, अलग अलग बातों को विष रूप माना गया। ध्यान देना, भागवत में काल को भी सर्प कहा गया। कभी कभी काल भी हमें डसता है। काल रूपी सर्प जब हमें डसता है
तब भी हमारा जीवन विषैला हो जाता है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णांश हे तवे, काल भी सर्प की भांति है। कभी कभी आप सुनते हैं ना, क्या करूं यार समय का मारा हूं। कभी कभी समय भी हमें डसता है, तो समय के डसने से भी जब विष निकले तब भी रामायण का आश्रय करो। यानी जो लोग समय के मारे हैं, मैं उन्हें भी प्रार्थना करूं कि आप भी प्यारे रामायण का आश्रय करो। काल भी सर्प है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, काम भी सर्प की भांति है। काम भुजंग डसत जब जाही विषय नीम कटुलाग रतना, काम भुजंग डसत जब जाही विषय नीम कटुलाग, काम भुजंग सर्प की भांति है। इसके भी डसने से जीवन विषैला हो जाता है। तो ऐसे लोग जो विषयासक्त हो गए हैं, विषय के कारण जिनका जीवन विषैला हो गया है, ऐसे लोगों को भी चाहिए रामायण का आश्रय करें। और तीसरी बात, संसार को भी आचार्य पूज्य सुखदेव जी ने सर्प का उदाहरण दिया, सर्प की उपमा दी। जहां सुखदेव जी की वंदना आई है भागवत में अंतिम में, योगिंद्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पद्रष्टं यो विष्णुरातं ममोमुचत्। योगिंद्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पद्रष्टं यो विष्णुरातम अमूचत। संसार को भी सर्प कहा गया। जो लोग संसार के परेशानियों से परेशान है, ऐसे लोगों को भी चाहिए रामायण का आश्रय करें। कई लोग होते हैं ना जो बड़े परेशान होते हैं, बात बात में भगवान को दोष देते हैं, क्या भगवान तूने क्यों दुनिया बनाई। हाँ, बड़े उदास लोग जो होते हैं, जो ऐसे निराश हो गए हैं कि काहे को दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई। हाँ, ऐसे लोगों को भी चाहिए रामायण का आश्रय करें। यहां आओ, संसार के विषयों से निजात पाना है तो रामायण का आश्रय करो। वह अक्षर से आरंभ करके बाबा तुलसी ने मानो हम सबको अमृत दिया। तो पहले श्लोक में भगवान गणेश और मां सरस्वती को प्रणाम किया, जय 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 हे बीना पाणी, जय 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 हे। आइए एक मिनट के लिए सब प्रार्थना करें। संगीतमय कथा है ना, इसलिए सब लोग भाव और प्यार से जय 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 हे दीना पाणी, जय 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 शिव कल्याणी मातु भवानी, शिव कल्याणी मातु भवानी, शिव कल्याणी मातु भवानी, शिव कल्याणी। मस्ती में गाइए, जय 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 हे बीना पाणी, thank you।
संगीत का राग यमन। जय हो। सप्त सुरों की तू महारानी, सप्त सुरों की तू महारानी, सप्त सुरों की तू महारानी, सप्त सुरों की तू महारानी। वेदों ने भी महिमा न जानी, वेदों वेदों ने भी महिमा न जानी, वेदों जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 पहले श्लोक में भगवान गणेश और मां सरस्वती को प्रणाम किया। वाणी और ज्ञान दोनों साथ होने चाहिए। वाणी बहुत अच्छी हो लेकिन ज्ञान न हो, वाणी अधूरी है। और ज्ञान बहुत हो फिर भी वाणी अच्छी ना हो तो ज्ञान भी पूर्ण नहीं है, अधूरा। इसलिए यहां दोनों को प्रणाम किया, वाणी की देवी मां सरस्वती को और ज्ञान के देव भगवान गणेश को। इस तरह से सात श्लोकों से मंगलाचरण किया और सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम किया, फिर संतों को प्रणाम किया। और बाबा तुलसी ने देखा जाए तो मानस में सबको प्रणाम किया, किसी को नाराज नहीं किया। भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी दुर्गा काली भैरव हनुमान सबको प्रणाम किया। जलचर थलचर नवचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना सबको प्रणाम किया, फिर भी मन नहीं माना तो अंत में कह दिया कि संसार की जितनी माताएं हैं सबको सीता मानकर और जितने भाई लोग हैं सबको राम रूप मानकर एक साथ सभी को प्रणाम कर दे। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, सिया राम मैं सब जग जानी। सबको एक तरफ से प्रणाम किया और प्रणाम करके अब बाबा तुलसी ने रामचरितमानस लिखने की तिथि घोषणा की। संबत 1631 में चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष, जिस दिन भगवान राम का जन्म हुआ उसी दिन रामचरित्र का भी जन्म हुआ, रामचरित्र का भी प्रागट्य हुआ। यानी भगवान राम और उनका चरित्र दोनों एक ही दिन प्रगटे। तो किसी ने पूछा कि भाई राम जी ने तो अहिल्या का उद्धार किया, तो राम के चरित्र ने किसका उद्धार किया? तो बाबा तुलसी ने कहा भाई राम जी ने तो एक ही अहिल्या का उद्धार किया ना, राम चरित्र ने न जाने कितने हजारों अहिल्याओं का उद्धार कर दिया, वो है राम चरित्र। राम एकता पसती है तारी, लेकिन नाम
कोटि खल कुमत सुधारे, करोड़ों दुष्टों का उद्धार किया होगा। ऐसी अद्भुत ये पावन ग्रंथ रामचरितमानस। बाबा तुलसी ने उसकी महिमा भी बताई, सुनत श्रवण पाई अविश्रामा, एक बार जो सुन ले भाव से उसको विश्राम मिलेगा। मैंने अभी भी कहा कि संसार के परेशानियों से परेशान व्यक्ति यदि विश्राम चाहता है तो यहां आओ, ये विश्रामालय। हाँ, अब आप देखो, आप जितनी देर यहां बैठे होते हो कितनी मस्ती होती है। हाँ, बाहर निकलते ही हर किसी का दुख, मुझे तो लगता है वो गेट पर बैठा है होता है। अंदर आओ, कोई टेंशन नहीं। हाँ, लेकिन जैसे ही निकलते हो गेट पर सब बैठा होता है, और अपने अपने गार्जियन को वो दुख पहचानता है। निकलते ही वही वाला दुख आपको पकड़ लेता है, पता है उसका कारण क्या है। एक बार एक महात्मा जी बैठे समाधिस्थ थे, ध्यान कर रहे थे, तो एक मुसलमान उधर से गुजरा। महात्मा उसको बहुत डांटने लगे कि दिखाई नहीं देता तू इधर से चला आ रहा है। हाँ, मैं ध्यान करने बैठा हूं। मुसलमान ने कहा कि आप ऐसे कैसे ध्यान करते हैं, ध्यान में दो दिखाई देते हैं क्या? क्या मतलब? बोले, ध्यान में तो राम जी दिखाई देने चाहिए ना, मैं भी दिखाई देता हूं क्या आपको? और वही मुसलमान जब अजान के लिए, नमाज अदा करने के लिए कपड़े बिछाया, उधर से एक प्रेसी अपनी प्रेमी को मिलने के लिए भागती चली जा रही थी, इतनी तेज जा रही है कि उसको नीचे दिखाई नहीं दिया, वो अजान के लिए जो नमाज के लिए जो कपड़ा बिछाया था, वो उधर से दौड़ती हुई इस कपड़े पर पांव रखती हुई दौड़ने लगी। तो मुसलमान भी नाराज हुआ, कहा तुझे दिखाई नहीं देता कि मैं खुदा का नमाज अदा करने जा रहा हूं और मेरे इस कपड़े पर दौड़ करके जा रही है, नापाक औरत। बहुत नाराज हुआ तो उस प्रियसी ने मुस्कुरा कर कहा कि प्यारे, मैं संसार के एक प्रेमी से मिलने जा रही हूं, तो मेरे कदम कहां पड़ रहे हैं मुझे पता नहीं चलता, तुम तो सारे परवरदिगार जो है संसार का सबसे बड़ा प्रेमी, तुम मुझसे मिलने बैठे हो फिर भी तुमको सुध है कि तुम्हारा कपड़ा कहां बिछा है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना, मेरे भाई बहन, आप जब यहां बैठे होते हो ना, तो यहां भगवान की याद में बैठे होते हैं, आप भगवान की मस्ती में बैठे होते हैं, इसलिए कोई दुख यहां प्रवेश नहीं कर पाता। लेकिन जैसे ही आप यहां से जाते हैं तो सांसारिक बातें शुरू कर देते हैं। हाँ, इसलिए संसारिक बातें जहां शुरू हुई तुरंत दुख आपके ऊपर आया। यहां जब तक हैं कितनी मस्ती, इसलिए मैं कहता हूं आप यहां से जाएं भी ना तो हरि चर्चा बंद नहीं होनी चाहिए, वहां भी शुरू रहे। यानी परिवार के जो सदस्य नहीं आ पाए हैं आप उनको भी एक कथा जाकर सुनाएं, बताएं, दुखों से छुटकारा पाना है, छूटना है तो यही उपाय है कि हर पल सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, हर पल पुकारो, हर पल स्मरण करो, सीता राम 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 राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, हरि बोल।
राधा राम 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 सीता राम 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 राधा राम 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 सीता राम 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 राधा राम राम हरि बोल राधा राम 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 सीता राम 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 राधा राम 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 सीता राम राम कार्य जय हो राधा राम तालियां बजाते हुए सब गाएं भाव प्यार के हाथ उठा करके परमात्मा को पुकारते हुए राधा राम 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 सीता राम 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 राधा राम 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 जय हो राम राम हरि बोल हे हरि प्राण
कबहु के दीन दयाल के बनक परे हर पल परमात्मा को पुकारते रहो, क्योंकि आप जब आप यहां तक हैं तब तो आप बड़े आनंद में होते हैं, लेकिन ये आनंद, ये मस्ती, ये प्रेम, ये भाव बाहर भी बना रहे, इसलिए हर पल परमात्मा को पुकारते रहो। सुनत श्रवण पाई विश्रामा, बाबा तुलसी कहते हैं विश्राम पाने वाले को चाहिए वो यहां आए, जिसको विश्राम चाहिए वो भगवान की कथा का आश्रय करे। तो रामचरितमानस की महिमा बताई और भरद्वाज महाराज के संशय से राम कथा का प्रागट्य हुआ। याज्ञवल्क ऋषि को भरद्वाज ने प्रश्न किया है कि महाराज ये राम कौन है, जिस राम की चर्चा पूरी दुनिया करती है, जिस राम के विषय में महात्मा लोग दिन रात गाते रहते हैं, कौन है वो राम? और ऐसा भी नहीं कि महाराज मैं राम को नहीं जानता हूं, नहीं, मैं जानता हूं एक राम को, वो जो अयोध्या वाले राम थे ना, उनको तो मैं भली बात जानता हूं, वो तो मेरे आश्रम में भी रुक चुके हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि भगवान शिव जिन राम को जपते हैं, जिनको मौत का कोई भय नहीं, हां, जो महाकाल है, चिता भस्मा लेपो गरल मसनम दिगपट धरो, जो महाकाल है भाई, मौत के नाम से कोई राम राम करे वो तो समझ में आता है, हाँ, डर के मारे कोई राम राम करे, कई लोग भक्ति करते हैं डर के मारे, हाँ, और कई ऐसे भी हैं जो डर नहीं है, लोभ से करते हैं, पता लग जाए कि उधर वाले हनुमान जी जरा ज्यादा देते हैं तो भक्तों की भीड़ उधर लगने लग जाती, इतने मांगने वालों की भक्ति इतनी ज्यादा हो गई। तो कई लोग या तो भय से करते हैं या लोभ से करते हैं, हाँ, लेकिन भगवान भोलेनाथ को ना तो कोई लोभ है ना ही कोई भय, जो महाकाल है फिर भी वो राम राम जपते हैं। आखिर महाराज मैं जानना चाहता हूं वो राम कौन है, अयोध्या वाले राम या कोई और राम है? और ध्यान देना, बहुत महत्व का प्रश्न किया है भरद्वाज ने। आज संसार में भी कई कई लोग ऐसे हैं जो दशरथ ही राम को राम नहीं कहते हैं, उनके लिए कोई और राम है। एक बात मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं प्यारे, कि राम एक ही हैं, दस पांच नहीं है, हाँ। पंजाब में अक्सर लोग मुझे प्रश्न करते कि बापू वो आप वाले राम अलग हैं और हम लोगों के राम अलग हैं। मैंने कहा भाई पंजाब में कोई राम जी आए हो तो मुझे नहीं पता है, मैं तो एक ही राम को जानता हूं अयोध्या। और राम का नाम राम तब ही पड़ा, ध्यान देना, उस विराट नारायण का जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है। जब आकार नहीं है प्यारे तो फिर नाम कैसे हो सकता है? नाम उसी का होता है जिसका आकार हो, हाँ, बगैर आकृति के आप नाम क्या दे सकते हो? आकाश का कोई नाम नहीं है, खाली स्थान का कोई नाम नहीं है, नाम बगैर रूप के नहीं हो सकता है। तो उस निराकार परमात्मा का नाम राम तब ही पड़ा जब वो दशरथ का पुत्र बनकर आया, उसके पहले परमात्मा होगा, ब्रह्म होगा, राम नहीं था वो। राम नाम उनका तब ही पड़ा जब वो दशरथ ही बनकर आए, दशरथ के पुत्र बनकर आए। अब एक बार किसी ने कबीर साहब से प्रश्न कर दिया कि महाराज आप कौन से राम को जपते हो? कबीर साहब तो बड़े अखड़ संत थे, हाँ, बड़े टेढ़े। किसी ने पूछा कौन से राम को जपते हो, मतलब? तो कहा एक राम दशरथ कर बेटा,
एक राम घटघट में लेटा, एक राम है जगत पसारा और एक राम है सभी से न्यारा। अब बताओ इसमें कौन सा राम तुम्हारा? कबीर ने मुस्कुराकर कहा, प्यारे मैं जानता हूं कि तेरा बाप भी चार है। कबीर बड़े टेढ़े सन, आग उगलते थे कबीर साहब तो, हां पाखंडियों के तो बड़े विरोधी थे कबीर साहब। काशी के पास एक स्थान है मगहर, तो काशी के पंडितों ने उस वक्त ऐसा हल्ला उड़ा दिया था, हल्ला मचाया था कि काशी में जो मरता है वो मुक्त होता है और मगहर में जो मरे वो गधा बनता है। तो कबीर साहब के जीवन में ऐसी घटना है कि कबीर जिंदगी भर काशी में रहे, लेकिन जब मरना हुआ ना तो कहा कि मुझे मगहर ले चलो ताकि इन पंडितों की बात झूठी हो जाए, मुझे मगहर। और कबीर साहब मगहर में ही प्राण छोड़े। आप सोच सकते हैं कबीर साहब की अधोगति हुई होगी, नहीं, कबीर जैसा महापुरुष जीते जी भी मुक्त ही रहता है। तो कबीर साहब बड़े टेढ़े सन, बड़े पाखंडियों के बड़े विरोधी। कबीर ने कहा कि मुझे मालूम है तेरा बाप चार है। वह आदमी नाराज हो गया कि बाबा संत होकर ऐसी भाषा बोलते हो। तो कबीर ने कहा मैं तुझे प्रमाण देता हूं, बगैर प्रमाण के नहीं बोल रहा। और कबीर साहब ने उसको प्रमाण दिया कि एक बाप तेरे चाचा को भाई और एक बाप तेरी दादी को वारो, एक बाप तेरे नाना को जमाई और एक बाप तेरे फूफा को सारो। अब बता चार है ना, अब इसमें कौन सा तेरा बाप है असली वाला? वह आदमी मुस्कुराने लगा कि बाबा ये चारों तो एक ही है ना, वही दादी का बेटा लगता है, वही फूफा का साला लगता है, वही नाना का जमाई लगता है, है तो एक ही। कबीर ने कहा प्यारे इसी तरह राम जी कोई दस नहीं हुए हैं, सोई राम दशरथ कर बेटा, सोई राम घटघट में लेटा, सोई राम है जगत पसारा, सोई राम है सभी से न्यारा, वही राम सारी दुनिया में व्याप्त है। राम एक ही है, हां दस नहीं है। भरद्वाज जी ने उसी प्रश्न को जरा यहां पर उठाया है और विस्तार से। भरद्वाज ने कहा कि महाराज राम कौन है? संत जपहि, भगवान शंकर जिनको सतत जपते रहते हैं, शंभु विनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, संत जपहि शंभु विनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। महाराज राम कौन है? संत पुराण उपनिषद और सारी दुनिया जिस राम की चर्चा करती है, कौन है राम? क्या दशरथ वाले राम हैं या कोई और भी है? क्योंकि दशरथ वाले राम में मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता कि जिनके कारण उनकी पूजा हो। और भरद्वाज ने प्रश्न को बिल्कुल ऐसा बना दिया कि वही राम अयोध्या वाले ना, नारी बिरह दुख लहे हो अपारा, भय उरोष रण रावण मां। उन राम में ऐसा क्या है भाई? वनवास हुआ, पत्नी के साथ बन गए और वहां रावण ने उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया, तो जैसा स्वाभाविक है नाराज होना, वो भी नाराज हो गए
और बल वाले थे, रावण को मार डाला। अब अपनी पत्नी के चक्र में रावण को मार दिया और फिर उनके मंदिर बनाए जाए, आरती उतारी जाए, ऐसा क्या है उनमें? मुझे तो नहीं लगता कि उनका नाम जपा जाए। सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुराने लगे, कहा भरद्वाज ये होशियारी क्यों कर रहे हो? हाँ, ये घुमा घुमा कर प्रश्न कर रहे हो बच्चों की तरह। सीधे सीधे कह दो ना कि तुम्हें भगवान की पूरी कथा सुननी है, उनकी पूरी महिमा का तुमको दर्शन करना है, सीधे सीधे कह दो। और जब राम कथा की बात आई, भरद्वाज भाव विभोर हो गए, भावुक हो गए और आंख में भाव के अश्रु भराए। कहा महाराज, आपने ठीक पहचाना, मैं राम कथा का प्रेमी हूं, राम कथा सुनना चाहता था, लेकिन क्या करूं महाराज, आपसे डायरेक्ट कहने में मुझे डर लग रहा था, लेकिन अब राम कथा की बात आप जान ही गए हैं महाराज, मुझे सुनाएंगे ना? याज्ञवल्क ऋषि ने कहा कि हां भरद्वाज, जरूर सुनाऊंगा, लेकिन मैं सुनाऊं उसके पहले अपना मन भगवान के चरणों में लगा लो, क्योंकि मन कहीं और उलझा है तो भगवान की कथा हमारे भीतर नहीं बैठेगी। हाँ, और मैं भी आपको प्रार्थना करूं मेरे भाई बहन, आज प्रथम दिन ही कि आप यहां आए तो केवल तन लेकर नहीं मन को भी लेकर। हाँ, जब मन यहां होगा ना, भगवान के चरणों में होगा, तो आपका ध्यान घड़ी पर नहीं जाएगा। हाँ, कई लोग अभी से देखने लग गए हैं घड़ी मैं इसलिए कह रहा हूं, मन को साथ लाओगे ना तो ध्यान घड़ी पर नहीं जाएगा, कभी छह भी बजेगा, कभी आठ भी बज सकता है। हाँ, ये तो लगन लगने की बात है। हाँ, लगन लगी तो फिर कभी आठ भी बजेगा, नौ भी बज सकता है। हाँ, छह से कम नहीं होगा, ज्यादा तो हो सकता है, कम नहीं होगा। मन को यहां लेकर के आओ, और जब तक मन यहां नहीं लगेगा तब तक मेरे भाई बहन आपको क्या आनंद आएगा। हाँ, मुझे एक बार कोई बताया कि बापू, एक महात्मा जी कहीं कथा करने गए, तो एक महात्मा जी कथा करते, तो एक माता जी कथा में रोज आती और उनका घर वाला जरा प्रेमी स्वभाव का नहीं था, अक्सर वो घर वाली पर नाराज हो, क्या तीन तीन घंटे चली जाती है कथा सुनने के लिए, क्या मिलता है तुझे कथा में, अक्सर होता है घरों में। हाँ, माताएं भगवान की प्रेमी होती हैं और भाई लोग जरा कम होते हैं। इंदौर में ऐसा नहीं लग रहा है, बराबर संख्या में ये इंदौर की बात नहीं, तो अक्सर वो आदमी नाराज हो जाता कि क्या रखा है कथा में, और अक्सर वो माता कहती कि अरे कभी आकर तो देखो कथा में क्या अमृत बरसता है। तो एक दिन उस आदमी ने कहा, तू ठीक है आज घर में रह, तू मैं जाता हूं, मैं भी तो देखूं कैसा अमृत बरसता। आया और पीछे कहीं खंभे के पास टिक कर बैठा, और जैसे ही कथा शुरू हुई, बैठा है मस्ती में, तो धीरे 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 मधुर मधुर संगीत बज रहा था, और बजते बजते उसको निद्रा देवी आई और तीन घंटे सोया ही रहा, बिल्कुल सो गया, बेसुध हो गया, यहां तक कि आरती हो गई, प्रसाद भी बट गया, सब चले भी गए, फिर भी नींद नहीं खुली, पांडाल बिल्कुल खाली, और अभी तक वो महाशय सो रहे हैं। तो जब पांडाल कभी बिल्कुल खाली हो जाता है तो सब कोई जानवर कोई पशु भी घूमते रहते हैं, तो भैरव बाबा की सवारी पांडाल में घूमता घूमता और वहां ही पहुंचा जहां वो सज्जन, और फिर सब गड़बड़ शड़बड़ कर दिया उसने,
जय सियाराम। बाद में नींद खुली तो कुत्ता दिखाई नहीं दिया, लेकिन होठों पर कुछ खारा खारा लग रहा था, तो घर वाली पर बहुत नाराज हुआ कि कल से तेरा कथा में जाना बंद। अक्सर मुझे कहती है बड़ा अमृत बरसता है, बड़ी मीठी कथा। अरे मैं अनुभव करके आया हूं, खारी होती है कथा, कोई मीठी नहीं होती है। मन को नहीं लगाओगे प्यारे तो फिर ऐसी खारी ही लगेगी। हाँ, इसलिए मन को भगवान के चरणों में बांधो। दूर नगरी तेरी दूर नगरी कान्हा, दूर दूर नगरी तेरी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी। मीरा की बड़ी प्यारी कविता है, आइए हम दो पंक्ति। मीरा को जब तक मन संसार में लगा रहा तब तक गोपियां कह रही हैं कान्हा तेरी बहुत दूर नगरी है। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी तेरी दूर नगरी। ऐसे आऊं रे कन्हैया, ऐसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। ऐसे आऊं रे कन्हैया, गोपियों को कितनी प्रॉब्लम लग रही है क्योंकि मन नहीं लगा है। रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात को आऊं डर मोहे लागे, डर मोहे लागे रे, डर मोहे लागे, डर मोहे लागे रे, डर मोहे लागे। रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात को डर मोहे लागे। दिन में आऊं तो कान्हा, दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी बड़ी दूर नगरी। अरे वो राधे राधे जय श्री राधे, राधे राधे जय श्री राधे। हाथ उठा करके प्यार और भाव से राधे राधे जय श्री राधे, राधे राधे जय श्री राधे, राधे राधे जय श्री राधे, राधे राधे हरि बोल, राधे राधे जय श्री राधे, राधे राधे जय श्री राधे, राधे राधे राधे।
मीरा कहती हैं सुनिए गोपियों के भाव। सखी संग आऊं तो आ, सखी संग आऊं तो शर्म बहुत लागे, सखी संग आऊं तो शर्म मोहे आवे कान्हा, शर्म मोहे आवे, शर्म मोहे आवे, शर्म मोहे आवे। सखी संग आऊं तो शर्म मोहे लागे, सखी संग आऊं तो शर्म लागे। कन्हैया ने कहा तो फिर अकेली आ जाओ ना, हाँ क्या जरूरत है लाने की। गोपियों ने कहा कि कन्हैया उसमें भी तो मुसीबत है, क्या अकेली आऊं तो कान्हा, अकेली आऊं तो कान्हा, अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी, बड़ी दूर नगरी, फंसा है तब तक गोकुल बहुत दूर है। इसलिए कथा में आए तो अपने मन को भगवान के चरणों में लगाकर, भरद्वाज ने भगवान के चरणों में मन लगाया और याज्ञवल्क ऋषि अब कथा आरंभ करते हैं। किसी भी संवाद का आरंभ जिज्ञासा से होता, ध्यान देना, यहां कथा का आरंभ हुआ है जिज्ञासा से। भरद्वाज ने जिज्ञासा की, मन में संशय हुआ और याज्ञवल्क ऋषि ने राम कथा आरंभ की। कहा भरद्वाज, भगवान की कथा की महिमा तो ऐसी है, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। बड़े बड़े महापुरुषों के भी जीवन में कभी कभी संशय हुआ, तो संशय रूपी पक्षी को उड़ाने के लिए राम कथा एक करताली है। जैसे किसान ताली बजाता है और खेतों में बैठी चिड़िया उड़ जाती है, ऐसे ही कभी संशय हो तो राम कथा का आश्रय करना, जीवन के हर संशय का समाधान राम कथा से। और देखो, संतों का एक नियम होता है, कभी भी कोई भी बात कहते हैं तो अपनी ओर से नहीं, मैंने वहां सुनी थी वो बात आपको बता रहा हूं, ऐसा महात्मा लोग अक्सर अपने संवाद में कहते हैं। और उसके पीछे भी एक कारण है कि मैं कह रहा हूं ऐसा कहना तो अभिमान होता है, इसलिए सुनी हुई बात कहने में अभिमान नहीं होता। कई लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों से सुनी हुई बात भी अपनी बनाकर कहते हैं, हाँ ये अहंकारी का स्वभाव है। दूसरों की बातें सुनकर
यानी उधार का ज्ञान लेकर, और ऐसा कहना कि ये मेरा अपना ज्ञान है, ये तो अभिमान है। संत कभी भी अपने ज्ञान को भी दूसरों का बता देते हैं, उसका कारण यह है कि अपना कहना ये तो अभिमान होता है। अब स्पीकर जो यहां बॉक्स लगे हुए हैं, उनको कभी अभिमान थोड़ी होता है कि मैं कितना अच्छा गाता हूं। उनको पता है, गाने वाला तो पीछे कोई और है। संतों को भी, महापुरुषों को भी पता होता है कि भीतर बोलने वाला साक्षात परमात्मा है, मैं कहां बोलने वाला। हाँ, भक्त लोग तो भगवान की उस बांसुरी की भांति होते हैं, जो कृष्ण जब चाहते हैं तभी बोलती है, जितना चाहते हैं उतना ही बोलती है, और जैसे चाहते हैं वैसे ही बोलती है। बांसुरी में अपना कुछ नहीं है। इसलिए गोपियों ने कहा कि मुझे तो लगता है कन्हैया को बांसुरी इसलिए प्यारी, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं करती, खुद समर्पित हो गई है कि मेरे कान्हा तुम जैसा बुलवाओ मैं वैसा बोलूंगी, जैसा जितनी देर चाहो उतनी देर बोलूंगी, और जब चाहोगे तब ही बोलूंगी। संत जन भगवान के उस बांसुरी की भांति। कहा भरद्वाज को याज्ञवल्क ऋषि ने कि ये मैं नहीं सुना रहा हूं, आपने जो प्रश्न किया ना, ऐसा ही प्रश्न एक बार भूतकाल में भवानी ने किया था शिव से, तब शिव ने जो उत्तर दिया है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। कथा को शिव चरित्र की ओर मोड़। भगवान शंकर भी जब पार्वती जी को कथा सुनाते हैं ना, तो भगवान शंकर भी यही कहते हैं कि भवानी ऐसा मत सोचना कि ये कथा मैंने सुनाई। तो नहीं नहीं मेरी कथा ये नहीं है, ये तो मैंने जो कागभुसुंडी से कथा सुनी थी ना, वो सुनी हुई कथा मैंने तुझे सुनाई। और कागभुसुंडी जी के पास जाओ तो वो कहेंगे नहीं नहीं वो मैंने भी जो मेरे गुरुदेव से कथा सुनी थी ना वो मैंने आपको सुनाई, मैंने अपनी ओर से नहीं सुनाई। और सबकी बात छोड़ो, भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता सुनाए, उन्होंने भी अंत में कह दिया देख अर्जुन ऐसा मत सोचना कि मैं तुझे सुना रहा हूं, पहली बार नहीं, ऋषिवीर बहुधा गीतम, इस गीत को ऋषियों ने बहुत बार गाया है, मैं तो इस गाए हुए गीत को गा रहा हूं, मैं कोई पहली बार नहीं गा रहा हूं। यहां याज्ञवल्क ऋषि ने भी कहा एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग, त्रेता का भी चतुर्थ चरण। भगवान शंकर समाधि से उठे तो उनका मन कह रहा था कि चलो राम कथा श्रवण करने चलते हैं, और भोलेनाथ कैलाश की ऊंचाई से दंडकारण्य चले राम कथा सुनने के लिए, और अकेले नहीं साथ में जगदम्बा को भी लेकर गए, संग सती जगजननी भवानी, दोनों लोग राम कथा श्रवण करने के लिए अगस्त ऋषि के आश्रम पर पधारते हैं। उत्तर भारत से दक्षिण भारत कितनी दूर गए हां सुनने के लिए, कहां कैलाश और कहां दंडकारण्य, लेकिन इतनी दूर गए हैं भोलेनाथ साथ में जगदम्बा को लेकर। असल में भोलेनाथ राम कथा के बड़े प्रेमी, बड़े प्रेमी,
कहीं भी कथा हो रही हो भोलेनाथ वहां पहुंच जाते हैं। सोचो कहां कैलाश, हां उत्तर भारत हिमालय, और वहां से आ गए महाराष्ट्र की भूमि दंडकारण्य नासिक के आसपास। कितनी दूर गए सुनने के लिए, ये राम कथा का प्रेम है। अब यहां भी देखो जिसको प्रेम है कितनी कितनी दूर से आए हैं। हां जरूरी नहीं कि सब अन्नपूर्णा माता के आसपास ही हो, हां दूर दूर से भी आए हैं। एक माताजी तो अमेरिका से आई, वो यहां यहां बैठी हैं, अमेरिका से सुनने के लिए आई। उनको पता चला कि वैसे तो गर्मी में आने का प्लान था मई जून में, लेकिन पता चला कि इंदौर में कथा हो रही है, तो अमेरिका से इंदौर आ गई। ये होता है राम कथा का प्रेम। हाँ भोले बाबा से भी दूर गई है। जब कथा का प्रेम दिल में होता है मेरे भाई बहन, तो कहीं भी हो रही हो, प्यासा व्यक्ति कहीं भी पानी मिले वहां पहुंच जाता है। और प्यास ही ना हो तो बगल में भी नदी हो कौन पूछता हो। भगवान शंकर चले हैं राम कथा सुनने के लिए, और अकेले नहीं साथ में जगदम्बा को लेकर। वैसे विवाह के समय जब चार फेरे होते हैं ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो उसका मतलब यही होता है कि अग्नि के समक्ष चारों दोनों संकल्पित होते हैं कि आज से धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों में हमें साथ रहना। इसलिए पूजन के समय भी पति पत्नी साथ होते हैं। धर्म कार्य अकेले नहीं करना चाहिए, साथ में करना चाहिए। मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूं आप भी समझ जाओ। जो शंकर यहां अकेले आए हैं, कल से अपनी सती को भी कृपया, और जो हमारी माताएं अकेली आई हैं, सात दिन की बात है, अपने अपने शंकर को भी पकड़ कर ले आना। भगवान शंकर चले हैं दंडकारण्य की भूमि राम कथा श्रवण करने के लिए, लेकिन थोड़ा दूर पड़ता है, इसलिए आज पहुंचेंगे नहीं भोलेनाथ। कल 3 बजे भोलेनाथ पहुंचेंगे और फिर कथा आगे बढ़ेगी, समय पूरा हो रहा है। आइए हरि नाम सुमिरन के साथ कथा को विराम की ओर, भाव और प्यार से। आज मैं थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी माताएं जो शोभा यात्रा में थक गई हैं उनके लिए फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हरि नाम सुमिरन। हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम राम सीताराम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम हरि बोल, हरे राम राम राधे हम सबकी माँ है। हाँ? और माँ के पास बेटा जाए तो हाथ उठाकर प्रार्थना करता है ताकि माँ गोद में हम सबको ले, इसलिए हाथ उठाकर श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन, नंदगांव में बरसाने में गोवर्धन पे परिक्रमा में मुखारविंद पे उत्तरी
खजाने में श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे भोली रामचंद्र भगवान की श्री बाल कृष्ण लाल की श्री हनुमान जी महाराज की सदगुरु देव की हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहुँ सुर भू ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव आरती श्री रामायण रति कलित ललित सिंह पीकी रति कलित ललित सिंह पीकी रति कलित ललित सिंह पीकी आरत श्री रामायण जी की गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद गावत वाल्मीक विज्ञान विशारद शुक सन आदि शेष अनुशारद हरणि पवन सुत कीरति नीति आरति श्री रामायण दीति गावत वेद पुराण अष्ट दश गावत पुराण अष्ट दश सहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि धन धन संतन को सरबस संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वरज बखानी व्यास ज बखानी आग भुसुम रामायण देवी कलिमल हरणि विषय रस पी
भग श्रृंगार मुक्ति जुबती भगवान की।